हेलो, आई एम एडवोकेट प्रशांत देशमुख। दोस्तों, अकाउंटिंग ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज पार्ट वन, ये वीडियो हमने देखा ही होगा। इस वीडियो में हमने हाउसिंग सोसाइटी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सोसाइटी के बैलेंस शीट के बारे में। ये वीडियो जो मैंने बनाया है उन सोसाइटी मेंबर के लिए या उन कमिटी मेंबर्स के लिए है जो ऐसा समझते हैं कि हमारा अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और इसलिए हमें अकाउंट्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हम अकाउंट्स के ऊपर कुछ चर्चा नहीं कर सकते, ना कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो गलतफहमी है ये दूर करने के लिए मैंने ये पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अब हम बैलेंस शीट क्या होती है, वो कैसे जाने और उसके बारे में जनरल बॉडी मीटिंग में क्या सवाल मैनेजिंग कमिटी को, ऑफिस बेरर को पूछ सकते हैं, या जो भी ऑफिस बेरर है वो अकाउंटेंट से कैसे चर्चा करे, उन्हें क्या सवाल पूछे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब हम बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ईयर एंडिंग के लास्ट डेट में, जब सोसाइटी की क्या फाइनेंशियल स्थिति थी उसको कहते हैं कि बैलेंस शीट, कितनी लायबिलिटीज और कितने एसेट्स थे उसे कहते हैं बैलेंस शीट। इसमें दो साइड रहते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स। अब यहां देखिए, लायबिलिटी साइड में ये है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड यहाँ लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, देन 25% ऑफ सरप्लस 4690 जो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था, 25% ऑफ सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये ट्रांसफर होता है 4690 रिजर्व फंड में, ये यहाँ रिजर्व फंड में ऐड हो गया है। उसके बाद सिंकिंग फंड, ये सिंकिंग फंड ये है ओपनिंग बैलेंस, फिर कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 13,824 मेंबर से कलेक्ट किया है। ये कैसे कलेक्ट किया है, ये देखिए सिंकिंग फंड 32 रुपीज पर मेंबर पर मंथ कलेक्ट करते हैं। टोटल 36 मेंबर है और 12 मंथ का टोटल हो जाता है 13,824, तो इसे साल का कलेक्शन 13,824। फिर उसके बाद ये सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, उसका इंटरेस्ट ऐड हुआ है। पार्ट वन में हमने देखे इनकम एक्सपेंडिचर में जो इंटरेस्ट ऐड करते हैं, अप्रोप्रिएशन किया है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड 17,659, ये यहाँ सिंकिंग फंड अकाउंट में ऐड हुआ है। बाद में है रिपेयर फंड, रिपेयर फंड ये ओपनिंग बैलेंस, फिर कलेक्शन ईयर में ये मेंबर से इतना कलेक्ट किया है। बाद में 5 लाख रुपीज ये क्या ऐड हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो अप्रोप्रिएट किया है लास्ट ईयर, इसमें देखा था पार्ट वन में 5 लाख रुपीज ट्रांसफर टू रिपेयर फंड, जो ज्यादा सरप्लस था 5 लाख रुपीज वो हमने रिपेयर फंड में ऐड कर दिया है। तो ये टोटल रिपेयर फंड का ये 24,78,602.23 टोटल हो गया। अब ये इस साल टोटल खर्चा, इस साल तक टोटल खर्चा मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर हुआ है 22,11,005, और ये इसमें माइनस करके ये नेट रिपेयर फंड बैलेंस है। अब ये मेजर रिपेयर फंड एक्सपेंसेस कैसे आ गया, लास्ट ईयर तक के जो मेजर रिपेयर वर्क था वो लास्ट ईयर में भी चालू था, लास्ट ईयर में इतने एक्सपेंडिचर हुए थे, इस साल में ये काम हो गया 2,00,460 का, और ये टोटल
इतना खर्चा हो गया, काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बाद हमने वो रिपेयर फंड में माइनस करके ये जो मेजर रिपेयर अकाउंट जो WIP अकाउंट ओपन किया था ये क्लोज कर दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर रिपेयर फंड में ट्रांसफर किए हैं। ये रिपेयर फंड का नेट बैलेंस है। अब ये कॉमन एमिनिटीज फंड है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ये ट्रांसफर प्रीमियम 50,000 ऐड हुआ है। ये आप पूछ सकते हैं ट्रांसफर प्रीमियम किसका है, क्या है, तो आपको कमेटी बताएगी कि ये ड्यूरिंग द ईयर दो मेंबर के शेयर हमने ट्रांसफर किए हैं, दो मेंबर फ्लैट सेल हुए थे तो उनके 25,000 ईच, ये 50,000 ऐड हो गया और ये पैसा कॉमन एमिनिटी फंड में रखा है। अब सोसाइटी कन्वेंस फंड, ये देखिए सोसाइटी कन्वेंस के लिए जो ये कर रही है, मेंबर्स से सोसाइटी ने पैसा कलेक्ट किया है, लास्ट ईयर 2,10,000 कलेक्ट किया था, 1,50,000 ये साल में और मेंबर ने दिया है, टोटल 3,60,000 कलेक्ट किया है। इसमें अब तक ये 1,75,000 एक्सपेंसेस हुआ है, कन्वेंस अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब कन्वेंस का पूरा हो जाएगा, खर्चा जब पूरा हो जाएगा तब ये भी जैसे रिपेयर फंड जैसे इसमें से माइनस फंड से हम माइनस करेंगे। इसके बाद में ये मेंबर क्रेडिट बैलेंस, करंट लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मंथली मेंटेनेंस जो मेंबर देते हैं, कभी कभी कोई मेंबर्स एडवांस देते हैं, देखिए लिस्ट है, इन मेंबर ने एडवांस पेमेंट किया है यानी मार्च के बाद का अप्रैल मई जून जो भी है एडवांस ही इनका क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ मेंबर्स क्रेडिट बैलेंस करके करंट लायबिलिटीज में आ गया है। बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जब अभी आप देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ये लिस्ट है, वाटर चार्जेस, अब ईयर एंडिंग तक सपोज कि जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का वाटर बिल तब बाद में आता है, अप्रैल के बाद आता है, तो ये पे करना हम प्रोविजन करते हैं, तो इतना प्रोविजन किया था ये बाद में पे किया है, नेक्स्ट ईयर में पे किया है, तो ये हमें हिसाब में तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्रोविजन है, वाटर चार्जेस है जो बाद में पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1 महीने का इलेक्ट्रिक, मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बाद में पे किया है, अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, सिक्योरिटी चार्जेस जो मार्च महीने का बाद में किया है, टोटल ये 59,250 जो ये अपने करंट ईयर का था एक्सपेंडिचर वो करंट ईयर के हिसाब में लिया है लेकिन पेमेंट इसका बाद में हुआ है, तो ये टोटल 59,250। बाद में रिटेंशन मनी, ये कॉन्ट्रैक्टर से जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कोई 1 साल 2 साल 3 साल तक रिटेंशन रखते हैं मनी, जब तक कुछ कंप्लेंट नहीं आएगी तो वो जो रखा हुआ है रिटेंशन अमाउंट वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तो ये रिटेंशन मनी सोसाइटी की लायबिलिटीज है। बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेट सरप्लस है, मैंने आपको बताया कि ये ग्रॉस सरप्लस क्या है, ये सरप्लस आपका 14,065, ये 75% अमाउंट है और ये 25% जो रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया है। अब आते हैं एसेट साइड पे, एसेट साइज में ये है बैलेंस है, यहाँ बैलेंस दिखा है 5,88,532.26। आप कमेटी को पूछ सकते भाई इतना सेविंग अकाउंट में क्यों रखा है, आप FD में क्यों नहीं डालते हैं, तो शायद कमेटी बताएंगी कि नहीं ये जो अमाउंट है तो हमें कुछ खर्चे के लिए चाहिए या बाद में खर्चा किया है, इसके लिए एज ऑन 31 मार्च कितना बैलेंस था। अब ये देखिए FD है और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन FD, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब जो 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं, FD के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है लेकिन एक्चुअल मिला नहीं, तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो तो अकाउंट्स के हिसाब में तो लेना है, तो ये इंटरेस्ट एक्रूड में अमाउंट ये है
इसका बैंक सर्टिफिकेट देती है, एज पर दैट सर्टिफिकेट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी इन्वेस्टमेंट में लिया सेपरेट से दिखाया जाता है। बाद में ड्यूज फ्रॉम मेंबर, ये देखिए ड्यूज फ्रॉम मेंबर है 2,96,160, इसकी लिस्ट यहाँ है, ये है डेबिट साइड में, ये मेंबर ने मेंटेनेंस इनका बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये C11 फ्लाइट नंबर C11 का इतना 2,82,050 इतना मेंटेनेंस बाकी है। तो आप ये इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि इतना मेंटेनेंस क्यों बाकी है, वो मेंटेनेंस क्यों देते नहीं, उनका कुछ क्या डिस्प्यूट है, सोसाइटी ने कमिटी ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, क्या लीगल नोटिस दिया है, क्या क्या कुछ रिकवरी केस करना है उनके ऊपर, ये सब डिस्कशन हो सकता है जनरल बॉडी मीटिंग में। फिर ये देखिए फिक्स असेट में कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये हर सोसाइटी में होता है। ये कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली उतना ही अमाउंट यह कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर फॉर कॉस्ट ऑफ लैंड, सेम अमाउंट होता है। ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये सोसाइटी का वैल्यू नहीं है, सोसाइटी का जब सोसाइटी बिल्डिंग बना तब उस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या एक्सपेंसेस आ गया, बिल्डर को क्या एक्सपेंसेस आया है, उसका कॉस्ट होता है वो अराउंड 1,500 to 2,000 पर स्क्वायर फीट, इतना कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट होता है। उसका सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट से लिया जाता है और वो बैलेंस शीट में दिखाना बहुत जरूरी है। बाद में वाटर पंप फर्नीचर ये जो फिक्स असेट होते हैं उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। फिर है करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई कोई एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते हैं, जैसे कि ये अपना इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस होता है सपोज दैट इंश्योरेंस पे किया जून टू जून नेक्स्ट ईयर, तो आपने अप्रैल मई जून 3 महीने का इंश्योरेंस आपने एडवांस में भरा होता है, तो वो आपको सर्टन पोर्शन आपको प्रीपेड एक्सपेंस में दिखाना होता है। ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। तो इस तरह ये बैलेंस शीट स्टडी करके आप बैलेंस शीट में भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कंपेयरिंग करके आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पार्ट वन में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जाना, तो मुझे विश्वास है आप सब सोसाइटी के मेंबर्स और मैनेजिंग कमिटी मेंबर जो अब तक समझते थे कि सोसाइटी के अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ये हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ये गलत फहमी है। इन्हें समझना बहुत ही आसान है, मुझे विश्वास है कि आप सोसाइटी अकाउंट्स के बारे में जनरल बॉडी मीटिंग में सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं और कमिटी मेंबर अकाउंटेंट से इस बारे में विस्तृत जानकारी लेके जनरल बॉडी मीटिंग के पहले अकाउंट्स के बारे में अकाउंटेंट से चर्चा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।